नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं केनरा बैंक की। 107 का स्टॉक हो चुका है और 2% की तेजी कल के दिन में देखने को मिली थी। आज हम इस स्टॉक के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ा रीजन उसके पीछे ये भी है कि कल मैंने केनरा बैंक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज ध्यान में रखना कि मैंने ऐड किया है तो मैं बहुत सारी चीजें पॉजिटिविटी की ही बात कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत नेगेटिव चीजों की भी बात करेंगे हम यहाँ पे जो मुझे देखने को मिली है। बट ओवरऑल अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं मेरा है तो मैं बायस्ड थोड़ा सा हो दिख सकता हूँ आपको, तो उसको थोड़ा ध्यान में रख के अगर आप निवेश करने वाले हैं तो अपनी कॉल अपने आप लें, मेरे मुझे देख करके कॉल ना लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टार्ट करने से पहले वीडियो ये जरूरी था बताना कि मैंने इसमें ऐड किया है, तो हम इसी पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को थोड़ा सा कि मैंने क्यों ऐड किया, कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे देखने को मिले हैं और क्या यहाँ पे आने वाले दिनों में टारगेट आपको लेकर के चलना चाहिए, उसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 पॉइंट्स में बात करूंगा यहाँ पे क्योंकि 3 पॉइंट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे केनरा बैंक के आफ्टर द स्प्लिट। अगर आप बात करें, स्प्लिट के पहले भी मेरे पोर्टफोलियो में था बट जब स्प्लिट आने वाला हुआ तो मुझे पता था कि स्टॉक में गिरावट होने के चांसेस बन सकते हैं और तब मैंने इसे निकाल दिया था। मैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म इन्वेस्टर हूँ तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना था इसमें, इसलिए मैं रुका नहीं और मैं निकल गया। अभी के लिए अगर आप बात करें तो 6 महीने से स्टॉक में कोई बहुत बड़ी रैली आपको देखने को नहीं मिली है, 6 महीने से कोई रिटर्न स्टॉक में नहीं मिला है। बट कुछ अच्छी चीजें 6 महीने में हुई हैं जिनकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बाजार पर लेकर के चलता हूँ, बाजार हालात हैं क्या, ऐसे में आपको नए स्टॉक्स ऐड करने भी चाहिए या नहीं, और अगर आप स्टॉक ऐड कर रहे हैं तो कौन से स्टॉक को आपको ऐड करना है यहाँ पे। अब मार्केट को देखेंगे, मार्केट रोलर कोस्टर राइड में है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाजार अभी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुलिश नहीं है, बहुत बेरिश भी नहीं है। आई वॉन्ट से कि बेरिश हो चुका है मार्केट, क्रैश आने वाला है, करेक्शन आने वाला है, वो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि करेक्शन मार्केट में आएगा, बट वो बहुत ग्रेजुअल करेक्शन, मुझे लगता है कि बहुत ग्रेजुअल करेक्शन होगा और इस तरह का नहीं होगा। और एक और चीज है कि अगर आप टीवी देखते हैं तो जब मार्केट आपका 1% नीचे होगा तो वो बोलेंगे कि क्रैश आने वाला है, निकाल लो पैसा। जब 1% ऊपर होगा, कल बाजार इतना गया 24,500 के करीब में गया तो उन्होंने बोला 24,800 भी आपको देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्द, ठीक है 24,800 भी मिलेगा, बट 24,100 जब गया था तो उन्होंने बोला 23,500 भी मिल सकता है आपको देखने के लिए। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं टीवी को देख करके अपनी इन्वेस्टमेंट डिसाइड ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बट एक चीज आपको मानना पड़ेगा कि बाजार काफी ओवर वैल्यूड है तो ऐसे में करेक्शन के चांसेस बन रहे हैं। तो कोई भी स्टॉक अगर आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो 2 चीजों का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, पहला कि वो ग्रोथ मोमेंटम को फॉलो कर रहा हो यानी ग्रोथ हो स्टॉक में, और दूसरा कि वो स्टेबल भी हो, ऐसा ना हो कि बाजार अगर थोड़ा भी नीचे जा रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा नीचे चला जा रहा है, या बहुत तेजी में अगर बाजार है तो तेजी में तो रहे स्टॉक आपका लेकिन गिरावट के समय पे थोड़ा स्टेबिलिटी वहां पर देखने को मिले, इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को ना मिले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करें मार्केट के ओवरऑल पर्सपेक्टिव की, तो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कल का बाजार बहुत अच्छा देखने को मिला, एक अच्छी रैली आई, ग्लोबल क्यूज भी काफी अच्छे थे। अगर आप बाजार में देखेंगे तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गई आपकी, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया आपका, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया आपका, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है बहुत सारे, सीमेंट वगैरह का जो है या मीडिया का है, उनमें एक बहुत अच्छी रैली आपको देखने को मिली। वहीं पर अगर आप दूसरी तरफ बात करें तो कुछ स्टॉक्स में गिरावट भी हुई जो रिजल्ट की वजह से मेनली गिरावट थी। वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंक हो गया आपका, वरुण बेवरेजेस जैसे स्ट्रांग कंपनीज में भी आपको गिरावट देखने को मिली है। तो एक चीज आपको साफ देखने को मिल रही है कि जो भी स्टॉक आपके ओवर वैल्यूड कंडीशन में है, जो भी बहुत ज्यादा खरीदे जा चुके हैं या बहुत ज्यादा चल चुके स्टॉक है, वहां पर आपको गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। बट जो कंपनीज अभी भी आपकी चली नहीं है, जो कंपनीज आपकी अभी भी बैठी हुई है, स्ट्रांग है, अच्छा रिजल्ट दिया है उन्होंने, उनमें आपको एक अच्छा खासा टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। अब बाजार की बात तो रही कि हाँ ठीक है आने वाले दिनों में करेक्शन होगा, बट करेक्शन उन्हीं स्टॉक्स में हो सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है, ओवर प्राइस हो चुके हैं, या फिर जो बहुत अच्छा चल चुके हैं, 200%, 100%, 80% का रिटर्न आपको एक साल में मिल चुका है, तो उन स्टॉक्स में थोड़ा बहुत करेक्शन आने के चांसेस है, डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी की किस तरह का रिजल्ट वहां पर आ रहा है। अगर रिजल्ट बेस्ड है वहां कंपनी तो आपको वहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करें केनरा में मुझे क्यों पसंद आया, सबसे पहले मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। कंपनी बड़ी है, आप जानते हैं केनरा बैंक सभी जानते हैं, इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक में से आता है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्प्लिट के बाद 6 महीने में कोई रिटर्न नहीं दिया है, अब इसका नंबर आ रहा है। बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी आपने देखा इन्वेस्टमेंट आने वाली है, बैंकिंग सेक्टर अभी डाइवर्सिफाई कर रहा है, और केनरा बैंक की अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर खबरें और भी ज्यादा अच्छी हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जून क्वार्टर के जो नंबर्स रहे हैं, जून क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे रहे हैं, 34,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा है। वहीं पर अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आपका 4,000 करोड़ के आसपास रहा है, जो कि जंप हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे
तो एक अच्छा खासा जंप है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर की भी बात करें तो ईयर ऑन ईयर भी आपका यहाँ पर जून 2023 से लेकर के 3534 से लेकर के 3900 करोड़, एक बढ़िया जंप यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। ग्रोथ मेकिंग कंपनी है, आप लगातार अगर इसे देखते हैं लगातार यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है आपका वो बढ़ता हुआ ही दिखाई देता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कम हो रहा है। एक और चीज है, मैं टारगेट की भी बात करूंगा और टारगेट में लॉन्ग टर्म के लिए इसे क्यों नहीं रख रहा हूँ उसकी भी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2881 करोड़ से लेकर के 3900 करोड़ के आसपास का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। रेवेन्यू के तौर पे भी कंपनी अच्छा करी, मार्जिन भी अगर आप देखेंगे मार्जिन भी बहुत गजब का इस कंपनी का। तो ओवरऑल अगर आप देखें कहीं ना कहीं बाजार में इस कंपनी में अच्छा खासा रिटर्न दिया है, ग्रोथ है यहाँ पे, स्टेबिलिटी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी है, बट एफआईआई की अगर आप बात करें खास तौर पे तो मार्च से लेकर के एफआईआई ने इस क्वार्टर में अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। वहीं पर अगर आप डीआईआई की बात करें, उन्होंने थोड़ा कम जरूर किया है, बट डीआईआई की चर्चा मैं करता हूं अभी आकर के। पब्लिक की भी बात करें तो पब्लिक ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया, मेनली एफआईआई की जहां तक मैं बात कर रहा हूँ तो एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। वहीं पर म्यूचुअल फंड की अगर आप बात करें तो म्यूचुअल फंड नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर बढ़े हैं, 444 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पहले था, सॉरी ये नंबर ऑफ एफआईआई पे म्यूचुअल फंड्स की अगर आप बात करें 34 स्कीम्स में अभी भी इन्वेस्टेड यहाँ पर है। एफआईआई के नंबर्स यहाँ पर बढ़े हैं, 691 एफआईआई के नंबर यहाँ पर हो चुके हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिलती है। हालांकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर आप बात करते हैं तो उन्होंने थोड़ा सा रिड्यूस किया अपने स्टेक को, बट उनकी देखिए प्रमोटर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थोड़े से स्पेकुलेटिव भी हो सकते हैं, तो उनकी मैं ज्यादा यहाँ पर बात नहीं करूंगा। बट ओवरऑल अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, एफआईआई की बात करते हैं, तो उन्होंने काफी ज्यादा स्टेक इसमें ले रखा है, और स्टेबिलिटी और ग्रोथ की जहां तक बात है इस कंपनी आने वाले दिनों में वो आपको देखने को मिल जाएगा। रिपोर्ट्स की जब मैं बात करता हूँ, जो तीसरा मेरा पॉइंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा, कि स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो रिपोर्ट्स काफी बड़ी आई है। कंपनी ने खुद भी आगे आकर के अपनी जो कमेंट्री दी है वो भी काफी स्ट्रांग है, और 25 जुलाई को एमके ने 130 का टारगेट दिया था, और 25 जुलाई को मोतीलाल ओसवाल ने भी 133 रुपीज के आसपास का टारगेट यहाँ पर दिया है। 30% का अपसाइड यहाँ पर मिल रहा है, मेरा टारगेट इससे थोड़ा सा ऊपर है। मेरा टारगेट क्या है उसकी बात करें उससे पहले मैं इसका चार्ट दिखा देता हूँ आपको। आप देखिए केनरा बैंक का चार्ट बहुत स्ट्रांग है, एक रेंज में जरूर फंसा हुआ है, लोअर एंड पर 105 रुपए के आसपास का एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है, और मैंने यहीं पर इसको बाय किया है, 106 के आसपास में मैंने इसको बाय किया है। आपको बाय करना है नहीं करना है वो आप डिसाइड करेंगे, मेरी वीडियो को देख करके बिल्कुल भी डिसाइड मत करना कि मैं अभी ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने ले रखा है। जैसे मैंने बोला मैं शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म निवेश करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं निकल जाऊंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी निवेश की रणनीति खुद बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक और चीज है कि मैग्डी यहाँ पर फॉलिंग जरूर देखने को मिल रहा है आपको, लेकिन दैट्स बिकॉज कि ये अभी नीचे आया है और ये एक रेंज बाउंड डिलीवरी में है, रेंज बाउंड ट्रेडिंग में है। यहाँ पर जब तक ये रेंज में है एक्यूमुलेशन का जोन चल रहा है, एक्यूमुलेशन का जोन इन द सेंस कि मार्केट अगर सपोर्ट करता है तो अपर एंड पर ये 120-125 रुपीज तक के टारगेट तो शॉर्ट टर्म में ही दे सकता है, और अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म रुकते हैं तो 140 तक के टारगेट्स भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। या आपसे मेरा मतलब है कि मुझे 140 का टारगेट मेरा है, 140-145 के आसपास का टारगेट मैं अपना लेकर के चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा टारगेट पॉइंट है, चार्ट मुझे बेहतर लगा यहाँ पे, कम से कम खरीदारी का चार्ट लगा यहाँ पे। और अगर आप कमेंट्री की बात करें, कमेंट्री काफी स्ट्रांग है, कंपनी अच्छी है, वैल्यूड कंपनी है, वैल्यूएशन है, कंपनी में वैल्यू है, और यही कारण है कि मैं यहाँ पे निवेश कर रहा हूँ इस समय के लिए। आपको नहीं करना है, आपको इसलिए नहीं करना है कि अपनी रणनीति खुद बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बात रही कि केनरा बैंक में जो थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स मुझे देखने को मिलते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन 6 महीने से कोई भी इसमें रिटर्न नहीं मिला है आपको, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पर थोड़ा सा माल यहाँ पर डंप किया है, साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा रिड्यूस अपना स्टेक यहाँ पर किया है। म्यूचुअल फंड कर रहे हैं रिडक्शन, वो बात समझ में मुझे आती है। ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की भी अगर आप बात करें तो उनका भी मुझे पता है क्यों कर रहे हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे स्टॉक मुझे इस पॉइंट पर तो कम से कम अच्छा लग रहा है। बाजार के नजरिए से अगर देखा जाए तो ग्रोथ भी है स्टॉक में, और वैल्यूएशन भी कंपनी के ठीक ठाक देखने को मिल रही है। 130-140 के आसपास का टारगेट मेरा रहने वाला है यहाँ पे। बाकी खरीदारी अगर आप करने उतर रहे हैं तो बताइए आपने कितना माल ले रखा है यहाँ पे कि लेने वाले हैं, और आपका क्या रीजन है इस स्टॉक को लेने के लिए। मेरी वीडियो को देख करके प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट इन इन दिस कंपनी एटलीस्ट, बिकॉज ये कंपनी मैंने बाय किया है, तो मान लिया कि मैं निकल जाता हूँ तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए मेरी वीडियोज को देख करके कम से कम ये बाय मत करना। मैंने ऐड किया है, मैंने अपने रीजन आपको बता दिए हैं, क्या आप ऐड करने वाले हैं, क्या आपने ऐड किया है, या फिर आप केनरा बैंक में क्यों, बैंकिंग सेक्टर स्पेसिफिकली आपको कौन सा स्टॉक ज्यादा बेहतर लगता है कमेंट करना। हम इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू,
एंड वंस अगेन डू नॉट बाय आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो, क्योंकि मेरी वीडियोज को देख करके अपने डिसीजन मत लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बातचीत करना, उसके बाद इस स्टॉक में निवेश करना। थैंक यू, थैंक यू।